दुष्कर्म के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद अब पीड़ित छात्रा उसके तीन दोस्तों सहित पिता पर गैंगस्टर एक्ट लगवाना चाहता है। 20 सितंबर को गिरफ्तार और शाहजहांपुर जेल में बंद चिन्मयानंद ने जेल से शिकायत भेजी है, जिसमें वो कहता है कि चार आरोपियों और पीड़ित लड़की के पिता 5 करोड़ की रंगदारी मांगने में शामिल थे। इस शिकायत के लिए चिन्मयानंद ने FIR में लिखे एक टर्म कुछ लोगों को आधार बनाया है। चिन्मयानंद ने यह शिकायत SP और CJM कोर्ट को भेजी है। चिन्मयानंद की वकील कहती हैं कि उनको शिकायत इस उम्मीद में भेजी है कि कप्तान साहब और CJM कोर्ट को पूरे मामले की जानकारी है। CJMO अमवीर सिंह की कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट लगाने वाली शिकायत पर सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। स्वामी जी ने जेल से कंप्लेंट भेजी है, दैट इज नॉट अ लेटर, दैट इज कंप्लेंट। कंप्लेंट की है कि जो चार लोग हैं उनके खिलाफ और उनके फादर के खिलाफ भी, क्योंकि वो भी उसमें शामिल है, जो षड्यंत्र था 5 करोड़ का उसमें वो भी शामिल है, उनके फादर भी शामिल है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि जो FIR है उसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने, तो दैट द वर्ड जो यूज़ किया है कुछ लोगों ने, उसमें उनके फादर भी आते हैं। इसलिए हमने जो गैंगस्टर UP गैंगस्टर एक्ट है उसके तहत जो सेक्शंस लगने चाहिए, जो प्रोविजंस लगने चाहिए, जिसमें कि उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए 4 और 5 लोगों को, उसके लिए हमने प्रोसीड किया है। स्वामी जी ने कंप्लेंट भेजी है थ्रू जेल अथॉरिटी SP साहब को, और हमने जो है साथ में हमने CJM साहब के पास भी एक पिटीशन एप्लीकेशन लगाई थी, दैट इज़ नॉट पिटीशन बट एप्लीकेशन थी, कि आपको नॉलेज है इस क्राइम का, क्योंकि आपके पास बेल लगी, आपके पास रिमांड हुआ, आपने JC में भेजा दोनों FIR में, तो आपको इस बात का नॉलेज है, तो आप इसमें जो है वो एक्शन ले। चिन्मयानंद ने शिकायत में लिखा है कि 9 अगस्त को सचिन उनके घर आया और उसने कहा कि उसके पास चिन्मयानंद के खिलाफ सबूत है और अगर उन्हें 5 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो वो उन्हें झूठे केस में फंसा देंगे। इसके बाद 22 अगस्त को उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। शिकायत में लिखा गया है कि उस वक्त वो हरिद्वार वाले आश्रम में थे। मैसेज मिलने के बाद इसे वो पुलिस को भेजना चाहते थे, लेकिन मैसेज उस वक्त तो नहीं जा पाया, लेकिन बाद में अपने वकील के जरिए वो मैसेज SP को भेजा। इसके बाद 25 अगस्त को चौक कोतवाली में ओमवीर सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसी सिलसिले में ही संजय, विक्रम, सचिन और पीड़ित लड़की फिलहाल जेल में है। चिन्मयानंद के लेटर में लिखा है कि इन चारों के अलावा अन्य लोग भी गिरोह की तरह काम कर रहे थे। गैंगस्टर एक्ट में न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। जिन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगता है उन पर कम से कम 1 साथ 2 मामले दर्ज होने चाहिए। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की रिकमेंडेशन थाना अध्यक्ष करते हैं, जिसे CO और SP के अग्रसारित करने के बाद DM की मंजूरी की जरूरत होती है। DM द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अनुमोदन के बाद ये प्रभावी मानी जाती है। गैंगस्टर एक्ट की मंजूरी के बाद आरोपियों की संपत्ति भी जब्त हो सकती है। नए उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण संशोधन अध्यादेश को 2015 में मंजूरी मिली। पहले उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में सिर्फ 15 प्रकार के अपराध शामिल थे, जिसका दायरा 2015 में बढ़ाया गया है। आपको याद होगा कि 23 साल की लॉ स्टूडेंट को पिछले महीने ही SIT ने रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। SIT के अनुसार पीड़ित लड़की के तीन दोस्तों संजय, सचिन और विक्रम ने चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, पर कहा था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो चिन्मयानंद का मसाज कराते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। चिन्मयानंद से जुड़े 2 केसों की जांच कर रही SIT ने हाईकोर्ट में आज ही यानी 22 अक्टूबर को अपनी दूसरी स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी, जिस पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। उस दिन भी SIT स्टेटस रिपोर्ट देगी। 1 माह पहले 23 सितंबर को SIT ने अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट दी थी। वहीं चिन्मयानंद केस में रंगदारी मांगने के आरोपी LLM छात्रा की जमानत पर हाईकोर्ट में बहस अब 6 नवंबर को होगी। जमानत पर चिन्मयानंद और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया गया है।